जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है लोग घर से काम कर रहे हैं। घर से काम करने के लिए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फ्लॉज आ रहे हैं, बहुत सारे प्राइवेसी इश्यूज आ रहे हैं। इसके बारे में हमने पहले बात की है कि जूम ऐप के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अब क्या है कि एक नया तरह का थ्रेट सामने आया है। इसमें क्या हो रहा है कि जो कंपनी का सॉफ्टवेयर है उसमें इशू नहीं है, हो ये रहा है कि कंपनी का नाम और उनका ब्रांड है उसको यूज़ करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग इस अटैक के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो का टॉपिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस अटैक के बारे में जिस कंपनी ने बताया है उसका नाम है प्रूफ पॉइंट। ये एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है। उन्होंने बताया है कि कैसे मेल भेजकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये जो अटैक है ये मेनली जूम के एप्लीकेशन यूज़र के साथ हुआ था। तो कंपनी ने बताया है कि जो जूम के यूज़र हैं उनको अलग अलग तरह का मेल आ रहा है, जिनमें उन्होंने बताया है कि जो अलग अलग तरह का मेल है उसमें अलग अलग तरह का अटैक किया जा रहा है, जो हम लोग अब देखेंगे। इसमें जो पहला ईमेल था उसका जो सब्जेक्ट लाइन था वो था जूम अकाउंट। इसमें क्या हो रहा था कि जो नए जूम यूज़र्स थे उनके साथ ऐसा हो रहा था। उनके पास एक मेल आता था जिसमें लिखा होता था कि आपको अगर एक्टिवेट करना है अकाउंट को तो आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए। वहाँ पे एक लिंक होता था, जैसे ही उसको लिंक को क्लिक करते थे तो एक पेज ओपन हो जाता था। उस पेज में क्या होता था, आपको जाकर यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना होता था, और जैसे ही यूज़र आईडी पासवर्ड डालते थे वो चोरी हो जाता था। ये एक तरह का फिशिंग अटैक है। इसमें जो अगला मेल था उसका जो सब्जेक्ट लाइन था वो था मिस्ड जूम मीटिंग। इसमें क्या होता था कि आपको मेल आता था और वो लोग आपको बोलते थे कि आपको जूम का मीटिंग मिस कर गए हैं, और आपको वहाँ पे एक लिंक आता था कि आपके मीटिंग में क्या क्या हुआ, कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और जैसे ही आप उसमें क्लिक करते थे तो एक जो फेक पेज है जूम का वो ओपन हो जाता था, जैसे पिछले केस में हुआ था। और उसमें जैसे आप यूज़र आई डी और पासवर्ड डालते थे आपका ये चोरी हो जाता था, जैसे फिशिंग में होता है। इसमें जो तीसरा मेल है उसमें सब्जेक्ट लाइन होता है मीटिंग कैंसिल्ड, कुड वी डू अ जूम कॉल। इसमें आपको कहा जाता है मेल में कि आपका जो मीटिंग कैंसिल हो गया है और आप जूम कॉल कीजिए। इसमें फिर कहा जाता है कि आपको एक अटैचमेंट है, आप उसको इंस्टॉल कीजिए। आप जैसे अटैचमेंट को खोलते हैं उसमें आपको कहा जाता है कि आप मैक्रो को इनेबल कीजिए। जैसे ही आप मैक्रो को इनेबल करते हैं आपके जो डिवाइस में रिमोट डिवाइस ट्रोजन मालवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि कोई भी रिमोटली बैठ के आपके डिवाइस को एक्सेस कर सकता है। आपके डिवाइस को एक्सेस करने का मतलब है आपके डिवाइस का डेटा वो चोरी कर सकता है। अगर आपने उसमें क्रेडेंशियल सेव कर रखे हैं वो चोरी कर सकता है, आपका जो प्राइवेट डेटा है वो भी चोरी कर सकता है। प्रूफ पॉइंट कंपनी ने बताया है कि ये जो अटैक है ये ऑलरेडी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हो चुका है, और हमें एक बात का ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें बहुत सारे वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप यूज़ हो रहे हैं। तो अभी हमने जूम का एग्जांपल दिया, इसमें ऐसा हो सकता है कि आगे चल के जो अटैकर्स हैं हैकर्स हैं वो दूसरे एप्लीकेशंस पे भी अटैक कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि इसको करना बहुत आसान है, इसमें आपको फिशिंग के लिए आपको मेल करना होता है, तो वो आपको किसी तरह से ट्रिक करके आपको मेल करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये दूसरे एप्लीकेशंस के साथ भी हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।